नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से नजर डालते हैं दिनभर में घटित हुई घटनाओं और सूचनाओं पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है मातुआ थाना क्षेत्र के रगौली गाँव से। रगौली के पास स्थित कुणन गाँव में जब यहाँ पर दलित महिला घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी इसके घर के पास पला हुआ इसका कुत्ता भौंकने लगा। भौंकने पर यह विवाद इतना बढ़ गया कि दलित महिला के साथ यादव परिवार के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मीरा हैरवार जब अपने मायके आई थी, उसी दौरान उसके चाचा के साथ और मीरा के साथ गांव के ही रहने वाले कुछ यादव परिवार के लोगों ने मारपीट कर दी। बताए अनुसार बगस यादव, सट्टू यादव, राजेश यादव, घनसु यादव, मुन्ना यादव, रतन यादव ने महिला के साथ मारपीट कर दी। यह विवाद केवल इतने पर हुआ है कि कुत्ता भौंक रहा था और कुत्ते को भौंकने से मना किया गया, तो जिसको लेकर ये लाठी डंडे चल गए। इस पूरे मामले की रिपोर्ट मातुआ थाने में दर्ज करा दी गई है। एक कुत्ते की वजह से, कुत्ता की वजह से कुत्ता मार रहा हूं। कुत्ते ने बकरी को पकड़ा, पप्पू, भैंसु, राजेश और मिल्लू, बगस, पड़न है रगौली के पास, तो इनका पता नहीं, कह रहा है कि कुत्ता बैठा था वहाँ, तो कुछ चिड़िया को उनकी दौड़ा हो या ना दौड़ा हो राम जाने, तो कह रहे काट लिया। तो उन्होंने कहा कि काट लिया तो भाई हम दबाह करा देंगे, पैसे दे देंगे बकरी की। तो कह रहे कुछ नहीं, वो लड़का को मारने लगे तो हमारी बहू को बचाने को मीरा बचाने को ही, तो मैं उसी को मारा बहुत बुरी तरीके। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर डाल लेते हैं आज की इस दूसरी खबर पर। यह खबर आई है नौगांव थाना क्षेत्र के चंदपुरा गांव से। यहां के चंदपुरा निवासी जब नौगांव की बिस्लरी फैक्ट्री से बिस्लरी लेकर टीकमगढ़ की ओर जा रहा था, तभी संजय नगर के पास अनियंत्रित 407 हो गया, जिस वजह से अनियंत्रित 407 हो गया जिसमें बिस्लरी रखी हुई थी और यह जाकर गिर गई। चंद्रपुरा निवासी चंद्रपाल सिंह बिस्लरी लेकर नौगांव बिस्लरी फैक्ट्री से टीकमगढ़ जा रहा था, तभी संजय नगर के पास अनियंत्रित गाड़ी पलट गई, जिसमें 407 टाटा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में तत्काल ही इसे जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। कैसे हो गया? अपने आप संतुलन बिगड़ गया। आप किस चीज से थे? ट्रैक। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आज बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 2 दिवसीय यह इनकी हड़ताल है। इन बैंक कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी वेतन वृद्धि को लेकर यह हड़ताल जारी है। 2 दिवस तक इनकी हड़ताल रहेगी। जो इनकी जो बैंक की हड़ताल है, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सरकार और IB द्वारा 2% की वृद्धि करी जा रही थी, लेकिन इनके द्वारा वह 2% की वृद्धि स्वीकार नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ये हड़ताल पर बने हैं। इनका कहना है कि हर 5 वर्ष में जो इनकी वृद्धि होती थी, वह उसी हिसाब से इनकी वृद्धि की जाए, और जब तक यह वृद्धि नहीं होगी, जब तक ये अभी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, आगामी दिनों में भी हड़ताल जारी रखेंगे। फिर हम आपको बता दें, यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले यह आज सभी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर बने हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी वेतन वृद्धि नहीं की गई, तब तक ये हड़ताल पर बने रहेंगे। आईबी और गवर्नमेंट के द्वारा 2% की वृद्धि दी जा रही है, लेकिन इनके द्वारा यह स्वीकार नहीं की जा रही है। जानकारी देते हुए SBI बैंक के मैनेजर वीरेन श्रीवास्तव ने बताया है कि अभी 2 दिवसीय की हड़ताल है। 30 और 31 तारीख को यह हड़ताल पर रहेंगे। अभी ये सांकेतिक रूप से हड़ताल है, आगामी दिनों में जैसे ही इनके जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा, फिर आगे भी इनकी हड़ताल होने की संभावना है। कि यूनाइटेड फोरम
और बैंक यूनियंस के बैनर के तले समस्त बैंकें जो हैं वो आज स्ट्राइक के ऊपर हैं। यह स्ट्राइक हमारे वेतन समझौते को लेकर पे है, जिसके अंदर आईबीए और गवर्नमेंट के द्वारा 2% का इंक्रीज दिया गया है, जो कि काफ़ी ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग है। आज उसके विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और अपनी आवाज़ एक करके सबको बताना चाहते हैं कि यह 2% का वेज रिवीजन हमें स्वीकार नहीं है। 30 तारीख और 31 तारीख को स्ट्राइक है, नहीं बैंक में कोई काम नहीं होगा और जनता से भी यह अनुरोध है कि वो हमारा समर्थन इस हेतु करे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर पड़ेरिया थाना क्षेत्र की। यहाँ पर एक अहिरवार परिवार की खेती की जमीन पर कब्जा एक जोशी परिवार के द्वारा कर लिया गया है, जिसके बावजूद भी उसे मना करने पर उनके द्वारा मारपीट भी करी गई है। चलिए दिखाते हैं आपको यह पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें, पड़रिया चौकी के ग्राम रोरा निवासी श्याम लती अहिरवार व उसका परिवार किसानी खेती का काम करता है, जिसके बाद उसकी जमीन पर गांव के ही रामधनी जोशी व उनके पुत्र राजेंद्र, महेंद्र और सुरेंद्र के द्वारा श्याम लती की जमीन पर कब्जा कर जबरदस्ती मेड़ भी बना दी गई है। इसके बाद श्याम लती अहिरवार के घर पर जोशी परिवार के सभी जन पहुंचे और उनके साथ गाली गलौच कर मारपीट करना भी शुरू कर दिया। जिस संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए अहिरवार परिवार के लोग पड़रिया चौकी पहुंचे तो पुलिस द्वारा बस सलूकी भी उनके द्वारा की गई और उसके बाद भी पीड़िता के बार बार कहने के बावजूद थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जा सकी। हमारी जमीन थी, आवेदन भी लगा रखा है हमने, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, उसकी सुनवाई होगी। हमने यही कहा कि हमारा भी आवेदन लगाया, हमारा इसकी सुनवाई हो जाए, उसके बाद अपनी मशीन चला लो। नहीं माने तो मैडम जी ने और जो पुलिस भाई आते सिविल वैदी में, उन्होंने डंडे बजा दिए 2-3 और कह रहे थे साले फाजी वो फाइल बना के तुमको साले सारों को जेल में डाल दूंगा। साहब हम तो चाहते हैं हमारी जो जमीन है तो वो हमको मिल जाए, जो की है तो उसको मिल जाए। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खास खबर, जहां पर चिटफंड जैसे नाम की अनेकों कंपनियां शहरों में आती रहती हैं और धोखाधड़ी एक आम व्यक्ति के साथ अब एजेंट भी होना शुरू हो गए हैं। इन एजेंटों में कुछ वीस्टार के एजेंट हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है इन चिटफंड के सभी एजेंटों का। एजेंटों का कहना है, वी स्टार कंपनी के डायरेक्टर सी एल पाल, शिवरतन अनुरागी जो कि निवासी लवकुश नगर के बताए जा रहे हैं, व विनोद पाल, हरप्रसाद पाल, दोनों महोबा उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं, जिसमें विश्वास में लेकर लाखों रुपए अपनी कंपनी में जमा करवा लिए, जिसकी ब्रांड एवं रसीदें उनके ही पास हैं। तय समय पूरा होने पर पैसा वापसी के लिए डायरेक्टर आजकल का बहाना लगातार देते आ रहे हैं, जबकि यह एजेंट और आम लोग भी सालों से इन डायरेक्टरों से परेशान हैं। पैसों की ज्यादा जरूरत बताने पर डायरेक्टर गाली गलौच कर उनके साथ मारपीट करने की भी धमकी देता है। सभी एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर अपनी समस्याओं का निराकरण करवाने के लिए व डायरेक्टरों के ऊपर पूर्ण कार्यवाही करने की मांग को रखा। अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होती है तो उनके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल एवं आमरण अनशन करने के लिए यह लोग निश्चय ही आगे कदम बढ़ाएंगे, जिसमें पूरी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की रही। हमारी समस्या ये है कि वी स्टार करके एक कंपनी है, चिटफंड कर गई है ये कंपनी और करीब 7-8 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। हम सभी एजेंट मिलकर इस कंपनी के प्रति धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं और उनके मालिकों और डायरेक्टर और एमडी के प्रति लवकुश नगर में। हाँ सर, हमारा सेल्फ का पैसा भी है और हमारे रिश्तेदारों का भी पैसा है उसके अंदर। सर चाहते ये हैं कि उनको उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी जो भी प्रॉपर्टी हो वो सीज हो। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे अब तक की बड़ी खबरों को। सबसे पहले देखते हैं बिजावर की खबर को, जहां पर कृषि उपज मंडी में किसान परेशान है। दरअसल सरकार बोनस रेट पर इन दिनों चने की खरीद कर रही है, लेकिन ये खरीदारी किसानों के लिए कम लाभकारी और व्यापारियों और मंडी के कर्मचारियों के लिए ज्यादा लाभकारी बन गई है। मंडी के कर्मचारी चनों में कमियां निकालकर 50 रुपए प्रति क्विंटल की रिश्वत मांगकर किसानों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे आरोप बिजावर से आ रहे हैं। बिजावर कृषि उपज मंडी में किसान बुरी तरह से परेशान है। पैसा देता है तो उसको तुलता है माल, पैसा नहीं देता है तो उसको नहीं तुलता है, चाहे फंस करा उसको कहना हो माल।
हम चार दिन से पड़े हैं और चार दिन से जो है छान भी लिया है, कह रहे थे कि छानो और उसके बाद घर पड़े हैं वो लेके घर ले जाओ, जी माल नहीं लेना है क्या, तो 50 रुपये कुंटल दो और क्या नहीं तो घर ले जाओ। मंडी में तो हम लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जब से चना और गेहूँ खरीद की शुरू हुई है हमारी, ये इसमें जो पुराना गेहूँ घुना हुआ व्यापारियों का गेहूँ नहीं खरीदा जाएगा, जो किसान का है वो साफ सुथरा चना ही लिया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में खबर लेते हैं महाराजपुर की, जहां पर शिवसेना ने एक कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में अपनी घोषणाएं जारी की। वहीं सरकार द्वारा की पेट्रोल और डीजल के दामों में की जा रही मूल्य वृद्धि का विरोध करने की रणनीति भी बनाई गई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वे पूरे छतरपुर जिले में सरकार की महंगाई की नीतियों का विरोध करें और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कसें। ये बैठक शिवसेना के जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी ने ली। देखिए, पहली बात तो ये मीटिंग एक रूटीन बैठक है और दूसरी बात की जो महंगाई, जो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो महंगाई दिन पे दिन बढ़े चली जा रही, 18 दिन से कंटिन्यू डेली बढ़ रही है, प्रतिदिन जो है ये पैसा भी कम नहीं हो रहा है, उसको उसके आंदोलन को लेकर जगह बनाई जा रही है। यहाँ पे छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय में बहुत ज़्यादा एक तारीख से बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में लेते हैं खबर किशोर सागर तालाब की। छतरपुर के किशोर सागर तालाब पर एनजीटी के आदेश के मुताबिक नगरपालिका द्वारा बाउंड्री निर्माण का काम किया जा रहा था, लेकिन ये निर्माण कार्य अब विवादों में घिर गया है। लोगों ने इसे अतिक्रमण बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग भीतर घुस आए हैं, जो सीमांकन हुआ था उस सीमांकन के बाद कुछ लोग तालाब के भीतर घुस आए हैं, जिनको इस बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का फायदा मिल सकता है। यह खबर सामने आने के बाद तहसीलदार आलोक वर्मा मौके पर पहुंचे और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल नगरपालिका द्वारा किए जा रहे इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने आदेश दिया था कि तालाब के भराव क्षेत्र के 10 मीटर के हिस्से को छोड़कर इस स्थान पर एक बाउंड्री बना दी जाए, ताकि भविष्य में इसका अतिक्रमण रोका जा सके, और साथ ही वृक्षारोपण के निर्देश भी दिए थे, जिसका पालन अब तक नहीं हो सका है। अभी दूरभाष पर स्थानीय पत्रकारगणों द्वारा मुझे सूचना दी गई थी कि नगर पालिका द्वारा पिलर खोद कर निर्माण किया जा रहा, तालाब की सीमा निश्चित की जा रही है। तो मैं जो सूचना पाते ही मौके पर आया, तो जो एनजीटी ने निर्देश दिए थे, दो तरह के पिलर लगवाए थे। एक लगवाए थे तालाब के फुल टैंक लेवल पे और 10 मीटर छोड़ के। नगर पालिका द्वारा जो खंभे गड़वाए जा रहे हैं वो फुल टेबल टैंक पे ही गड़वा रहे हैं, जबकि एनजीटी के निर्देश थे कि 10 मीटर छोड़ के दीवार का निर्माण करके। तो क्या काम अभी हम लोगों ने रुकवा दिया और 4 बजे के नगर पालिका के अधिकारी के साथ बैठक करके निर्णय लेंगे। किशोर सागर तालाब पे एक बाउंड्री निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद का पूरा क्षेत्र जो है सुरक्षित हो जाता, क्योंकि पिछले वर्ष पानी भर गया था और उसको निकाला गया था। तो इस वर्ष ऐसी समस्या ना आए, तो हम लोगों को ये आशंका है कि ऐसा किया जा रहा है। उस संबंध में हम लोग जहाँ जानकारी करने आए थे, किशोर सागर तालाब के अतिक्रमण के बारे में प्रशासन से बात की है। आधा तालाब तो वैसे ही लाल जलकुंभी खा गई है, जो बचा है वो भी बचा रहे, और जो नहीं बचा जिस पे अतिक्रमण है उसकी भी हम लोगों ने कहा है कि पूरे दस्तावेज हमें 2 दिन के अंदर अंदर दिए जाएं और उसकी जांच हो कि कैसे किसने रजिस्ट्री कराई इसकी। यहाँ पर तहसीलदार साहब ने बताया कि एनजीटी के आदेश के अनुसार 2 तरह के पिलर खोदे गए थे। जो फर्स्ट पिलर खोदे गए थे वहाँ पर बाउंड्री निर्माण हो रही थी, जबकि होना चाहिए उसके 20-30 फीट पीछे जो सेकंड लाइन के पिलर खोदे गए हैं। तो अभी हाल वहाँ काम बंद करा दिया गया है और वहीं पर जो सेकंड बाउंड्री पिलर खोदे गए हैं वहीं खोदे गए। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ईशानगर थाना क्षेत्र में आपराधिक तत्वों की गुंडई इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब वे पुलिस पर भी हावी हो रहे हैं। दरअसल यहां बीते दिन 2 युवकों को पकड़ा गया था, जिनके पास से कट्टे और कारतूस बरामद किए गए थे, लेकिन जिन आरक्षकों द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, अगले ही दिन उन आरक्षकों को सिविल लाइन अटैच कर दिया गया। अब क्या अपराधियों के पास से कट्टा कारतूस पकड़ना पुलिस विभाग को अपराध लगा, या फिर उनकी गलती क्या थी? ऐसे में गांव वालों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस की इस कार्यवाही से
उल्टे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जबकि जिन लोगों द्वारा अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है उनका मनोबल नीचे गिरता है। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने रोष दर्शाया और पुलिस अधीक्षक से इस ट्रांसफर को कैंसिल करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक गांधी चौक में 29 मई को नागेंद्र सिंह और छोटू शर्मा को आरक्षक हर्ष यादव और राहुल यादव द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। इस बात से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि ये उल्टी कार्रवाई हुई है जिससे अब अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। ये ऐसे अपराधी हैं जिनके बारे में गांव वाले शिकायत करने से भी बचते हैं, उन पर ही कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उसके उल्टे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है? हम यहाँ ईशानगर क्षेत्र की जनता की तरफ से आए हैं। हमारे ईशानगर क्षेत्र में गुंडों के द्वारा अशांति फैलाई जा रही थी। हमारे क्षेत्र में दो आरक्षकों ने सही काम किया है, गुंडों को पकड़ने का काम किया है, उनका उसी दिन स्थानांतरण किया जाता है पुलिस लाइन में। हम सारे ईशानगर क्षेत्र के लोग, सब समाज के लोग माननीय SP साहब से मांग करते हैं कि उनका स्थानांतरण रोका जाए और यथावत ईशानगर किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे जिले से हजारों की तादाद में SP ऑफिस का घेराव हम लोग करेंगे और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए। भ्रष्टाचारी नेता मदद तो कर नहीं रहे क्षेत्र की जनता की, पुलिस थोड़ी बहुत मदद कर रही तो पुलिस के लिए बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये लोग अपराधी खुलेआम कट्टा घुमा के लेके घूम रहे हैं मार्केट में, और यदि अगर पुलिस उन पर कार्रवाई करती है तो ये नेता लोग क्यों पुलिस का विरोध करते हैं? तुरंत दो सफाइयों को लाइन रच करने का धमकी दे रहे हैं। SP साहब यहाँ पे मिलने नहीं आए हैं क्योंकि पुलिस ही एक ऐसी अभी ईशानगर थाने में जो हमारे यहाँ के क्षेत्र की जनता की मदद कर रही है, वहाँ के नेता तो टोटल भ्रष्ट हैं, कोई भी जनता की मदद नहीं कर रहा है, और यदि पुलिस मदद कर रही है तो उनके बीच में अड़चने पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों अधिकारियों की लापरवाही या यूं कहें कि मिली भगत से लोगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अतिक्रमणकारी किसी भी सरकारी जमीन पर स्थान पर कब्जा करने से नहीं चूकते। सरे राह या बिल्कुल मुख्य रोड पर ही जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तालाबों में अतिक्रमण की बात हो या फिर रोड किनारे पड़ी जमीनों पर। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर महाराजा कॉलेज के सामने एक नाले के ऊपर लेंटर डालकर अतिक्रमण किया जा रहा था। जैसे ही मीडिया को इस बात की सूचना लगी, मीडिया ने अधिकारियों को सूचित कराया। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी वहां पर गए, विवाद की स्थिति बनी, लेकिन बाद में काम रोक दिया गया है। यहाँ पर सावित्री देवी जाटव, वाइफ ऑफ लीलाधर जाटव द्वारा काम कराया जा रहा था। बताया जा रहा है कि लीलाधर जाटव पुलिस में है और उसके दबंगी की वजह से यहाँ पर यह निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको नगर पालिका ने फिलहाल रुकवा दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पनौठा में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण लगभग 80 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें 2000 लोगों के दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए भी हॉल बनाए जा रहे हैं जहां पर उनको रुकने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इस निर्माण कार्य की स्वीकृति 2015-16 में हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मैदान के बीचों बीच 11 KV की लाइन गुजरने से लाइन शिफ्ट होने में टाइम लगा है। ये ग्राउंड 130x195 मीटर की लंबाई चौड़ाई का होगा और लास्ट जून या जुलाई तक हैंडओवर कर दिया जाएगा। जो पवेलियन है वो 2000 कैपेसिटी का है और इसमें एक मुख्य गेट है, दो अन्य गेट है। इस तरह से सुरक्षित है भविष्य के लिए स्टेडियम की, जैसे बाहर से कोई खिलाड़ी आता है तो उसके रुकने के लिए दो हाल है विथ टॉयलेट, ताकि खिलाड़ी जो है अपना वहीं पे हाल्ट करे और खेल गतिविधियों में शामिल हो। इसका टाइम बाउंड तो हो गया है, लेकिन इसमें 11:33 KV की बिजली की लाइनें थी, लाइनों को हटाने में इसमें समय लग गया। वो लाइन हट चुकी है तो अगले जून के महीने के आखिरी तक ऑप्टिमम 15। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। देश के कई यूनिवर्सिटी में दूर दराज के क्षेत्रों से पढ़ रहे शहर के लोगों को ग्रामीण भारत का भ्रमण कराया जा रहा है। इसके लिए यूथ फॉर स्वराज कार्यक्रम के तहत तलाश भारत की अभियान के अंतर्गत तमाम युवा भ्रमण पर आए हुए थे। छतरपुर जिले के 3 गांवों में 7 दिनों तक रहे और उन्होंने यहां की व्यवस्थाएं जानी, देखा कि किस तरीके से ग्रामीण भारत का एक युवा
गुजर बसर करता है, किन परिस्थितियों में वो गुजारा कर रहा है और उसके सामने कितनी परेशानियां मुंह बाए खड़ी हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन किया और अब इसकी रिपोर्ट बनाकर वे अपने विश्वविद्यालयों में पेश करेंगे। ये टीम यहाँ गांधी आश्रम पहुंची और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की विस्तार से जानकारी दी। हमने ये तलाश भारत की मुहिम जो है इसलिए किया है कि जो अर्बन और रूरल का जो गैप है, जो लोग शहरों में रहते हैं वो ग्रामीण भारत को समझें, और ये पहली बार नहीं है। पिछले 2 साल से जब सूखे की स्थिति थी देश भर में, तो हमने उस समय भी ड्रॉट ड्यूटी नाम से प्रोग्राम किया था और लोगों को गांव में आमंत्रित किया था, और इस बार भी हम तलाश भारत की मुहिम में देश भर में एक एप्लीकेशन चलाया और उसमें 700 लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया कि हम इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, और उनको हम अलग अलग गाँव में भेज रहे हैं, वहाँ जाके सर्वेक्षण कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, वहाँ जो लैंडलेस फार्मर हैं उनसे मिल रहे हैं और एक सर्वे कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम काफ़ी चीज़ें आने वाले समय में जारी करेंगे। लेकिन इसमें सर्वे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वो जो लोग शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो गांव में आएंगे, सीखेंगे और भविष्य के लिए एक मुझे लगता है कि एक नई लीडरशिप वहाँ से निकल करके आएगी, ये हमारा बड़ा मकसद है। मैं पिछले एक हफ्ते से छतरपुर में हूँ और हमने भी इस एक हफ्ते में 3 गाँव का सर्वे किया है। सर्वे साइंटिफिक नहीं था, लेकिन जो कोशिश थी हमारी वो ये कि शहरों में रहने वाले बच्चे गांव के और इस देश के रियल मुद्दों को में अपनी समझ बनाएं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों नए अपडेट के साथ। नमस्कार।